अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा चोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुझसे किस्म में आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस से मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए फूड आइटम को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कॉमन बेयर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों लिखने के अंदर और पढ़ने के अंदर इसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि फ्रेंच चीज़ है और फ्रेंच वर्ड है। बड़े बड़े शेफ भी इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। इसका जो असल प्रोनाउंस है कॉमन बेर प्रोनाउंस किया जाता है। और दोस्तों एक मज़ेदार फ्रेंच चीज़ की किस्म है। और दोस्तों इसे फ्रांस के अंदर नोमैंडी कॉमन बेर इलाके के अंदर बनाया गया था। और दोस्तों कॉमन बेर चीज़ जो है गाय के दूध के साथ बनाई जाती है। और दोस्तों एक सॉफ्ट रिपन चीज़ होती है। इसे कम अज़ कम 3 हफ्तों तक एज किया जाता है। और दोस्तों जायके के अंदर ये बटरी, क्रीमी, मिल्की, ग्रासी, मशरूमी फ्लेवर लिए हुए होती है। और दोस्तों ऐसे फ्राज जो वेजन अल्टरनेट चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन है। सॉफ्ट होने की वजह से ये आसानी के साथ ब्रेड के ऊपर, रस के ऊपर स्प्रेड हो जाती है। इसे क्रैकर के साथ यूज़ किया जाता है। इसे चीज़ सॉसेस बनाई जाती हैं। और दोस्तों कॉमन बेयर चीज़ जो है दांतों को मजबूत बनाती है, मसल बिल्डिंग करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस हाई मकदार के अंदर पाया जाता है। और दोस्तों कॉमन बेयर चीज़ बनाने के लिए गाय का दूध इस्तेमाल किया जाता है, बटर मिल्क कल्चर यूज़ किया जाता है, पेंसिलियम कैंडिडम यूज़ किया जाता है, ज्यूट्रैकम कैंडिडम यूज़ किया जाता है, इसके अलावा लिक्विड ट्रेनेट इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, साल्ट यूज़ किया जाता है और कैल्शियम क्लोराइड को इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों पाकिस्तान इंडिया के अंदर आपको कॉमन बेयर चीज़ जो है बड़े शॉपिंग मॉल के ग्रोसरी सेक्शन में आसानी के साथ मिल जाएगी। या दोस्तों आप इसे बड़े लोकल सुपर स्टोर से भी खरीद सकते हैं। और दोस्तों ये एक पॉपुलर फ्रेंच चीज़ है जो खाने के अंदर बहुत ज़्यादा मज़े की है और बेहतरीन इंतखाब है। चले दोस्तों ये तो थे कॉमन बेयर चीज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। दोस्तों आप एक सेक्शन के अंदर से 50 to 100 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चों को आप 20 to 30 ग्राम तक दे दें। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है पेट को ख़राब करता है, डायरिया करता है, जिसके अंदर सोजिश पैदा करता है। और दोस्तों आधे सर का दर्द का बाइस बनता है, माइग्रेन जिसे बोला जाता है। इसके अलावा गैस करता है। दोस्तों इसे बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में इस्तेमाल करने से जिल के भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा ये मोटापा में भी इजाफा करता है। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये कॉमन बेयर चीज़ के हवाले से जो मैंने आपको वीडियो बना के दी है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अगर मजीद आपका कोई सवाल है दोस्तों कॉमन बेयर चीज़ के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस से मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो मालूमती वीडियोज़ ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे चोली अजीम को इजाजत दें। ओके, जय हाफिज़, टेक केयर।